हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मेरे पास अभी एक सेट है सैमसंग M51 और इसमें प्रॉब्लम था चार्जिंग का। इसमें चार्जिंग शो नहीं कर रहा था। इसका मैं यहाँ पे प्लेट और चार्जिंग कनेक्टर भी चेंज करके देख लिया, फिर भी इसमें चार्ज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से M51 का चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है कि आपको ज़्यादा जब मैं रिपेयरिंग करूँ तो आपको ज़्यादा समय खर्च ना हो। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से आपको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है चार्जिंग का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट हमें यहाँ पे चेक करना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमको 5 वोल्ट यहाँ पे चेक करना है। देखिए, यहाँ पे स्क्रीज कर लेंगे ये जो साइड है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट यहाँ पे चेक करना है। देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आता है तो आपका कनेक्टर ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रैच कर लेना है। देखिए, यहाँ पे स्क्रैच करके आपको देखना है यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आपका यहाँ पे सब वोल्ट ठीक रहेगा तो आपका 5 वोल्ट यहाँ पे कोने पे देखिए आएगा। तो यहाँ पे हमें जंपर करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जंपर करने में थोड़ी दिक्कत होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करके, अगर आपके यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे स्क्रैच करके आपको यहाँ से एक जंपर उठाना है। और उसके बाद मैं आपको सेमेटिक डायग्राम में समझाऊंगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक आपको सप्लाई चेक करना है और कैसे जंपर करना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल में अपना फ़ोटो क्लिक करके रखा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे चेक करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जा रहा है 5 वोल्ट यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे OVP IC लगा हुआ है, यहाँ पे जो वोल्टेज को यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है, OVP IC इसको बोलते हैं। तो यहाँ से IC यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे कन्वर्ट होके हमारा चार्जिंग IC तक जाता है। तो यहाँ पे मैंने फोटो क्लिक कर लिया है। देखिए, यहाँ पे जाएगा 5 वोल्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट करके VBAT का लाइन यहाँ पे आएगा। तो VBAT का लाइन आपका यहाँ पे देखिए आया हुआ है। देखिए, यहाँ पे VBAT का लाइन आया हुआ है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि यहाँ से देखिए VBAT का लाइन निकला हुआ है इस कैपेसिटर से, और यहाँ से ये डायरेक्ट गया है हमारा VBAT लाइन पर, और हमारा VBAT लाइन पे, और यहाँ पे VBUS का लाइन यहाँ से गया है यहाँ तक, और यहाँ पे OVP IC यहाँ उसको फिल्टर करके यहाँ पे IC तक भेजा हुआ है। तो मेरा यहाँ पे सप्लाई VBAT का सप्लाई यहाँ पे मेरा ठीक था, मगर मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे VBUS का लाइन पे यहाँ पे प्रॉब्लम था। यहाँ तक सप्लाई आ रहा था मगर यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ से जंपर उठाया है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने जंपर उठाया है। देखिए, यहाँ से जंपर उठाया है और यहाँ पे जंपर कर दिया, तो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आपको चार्ज करके भी मैं दिखाऊंगा मेरा चार्ज हो रहा है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे चार्ज लगाया हूँ और यहाँ पे मेरा चार्ज हो रहा है। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आई चार्जर मैकेनिक का मैं यहाँ पे आई चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉट पे मैंने लगाया हुआ है 4 नंबर पॉट पे, तो 1.2 एम्पीयर ले रहा है, यानी कि अच्छे से चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सेट में चार्ज हो रहा है या नहीं। यहाँ पे निकाल के मैं फिर से इंसर्ट किया हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरा चार्ज शो कर रहा है। इसमें चार्ज थोड़ा सा भी नहीं था, 0% चार्ज था। तो यहाँ पे देखिए 12% तक चार्ज हो गया है। तो ये मेरा ट्रिक 100% काम किया। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और आपको कहीं पर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।